के बारे बारे। फिर आपका स्वागत है आपके ही अपने पसंदीदा खास दसवीं कक्षा में ही मेट्रिक मूवी देखकर आप इतने इंस्पायर हो गए थे कि आपने सोचा था कुछ आगे चल के ऐसा ही करना है शेरवुड से आपने पढ़ाई की जहां से अमिताभ बच्चन कबीर बेदी आए थे आगे आपने कहा पढ़ाई जारी रखी और किस तरीके से प्रोफेशनली फुल टाइम आपने डिजिटल आर्ट को चुन लिया अपना करियर क्लास uh, ट्वेल्व करने के बाद मैं बेसिकली गया था कॉलेज एनरोस और मुझे अपना पहला दिन याद है क्योंकि वहां पर काफी फनी था क्योंकि मैं आया और मैं सिर्फ देखा वहां पर लड़किया 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 मतलब लड़के कहाँ है <laughs> <laughs> ये था डिजाइन का गलती से कहीं कुछ गर्ल्स कॉलेज में तो नहीं घुस गया <laughs> तो उसके बाद वैसे कॉलेज भी मेरा काफी फनी था क्योंकि मैं आ, जब मैं बैग में लोग वैसे मतलब अपने किताब ले जाते थे hmm. मैं अपने बैग में एक डिस्कमैन और एक पिल्लो ले जाता था जो मैं पीछे बैठकर डिस्कमैन सुनता था और पिल्लो के साथ सोता था <laughs> और आ, उसके बाद प्रॉब्लम थी कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डिजिटल मीडिया वॉज इंट्रोड्यूस एज ए सब्जेक्ट कॉलेज इन दैट कॉलेज तो उसके बाद आ, हम लोगों को बेसिकली जो बोलते है वो टर्म होता है गिनी पिग जिसको okay. जिसको आप टेस्ट करते हो अगर ये सब्जेक्ट उनके लिए बनाया गया है लेनी क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे वो थे फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड में उनको कुछ भी नहीं पता नहीं था कि डिजिटल क्या है यू आर पासिंग थ्रू हिस्टोरिकल मोमेंट इन दिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एजुकेशन इन द दंट्री डिजिटल आर्ट की शुरुआत हो रही थी आगाज हो रहा था हिंदुस्तान में और उसके शुरुआती गिनी पिग में से एक थे एलन एट्रे राइट हाँ। जी तो कैसे उसको आपने खत्म किया और करियर शुरू किया मैंने वैसे खत्म नहीं किया क्योंकि कि मम्मी के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ तो <laughs> कर काम करा। अच्छा, अच्छा। और, आ, मैंने उस टाइम मैंने सोचा था मैं शायद मॉडलिंग में जाऊंगा अच्छा। तो उस टाइम मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था और वो पोर्टफोलियो मतलब नॉर्मल पोर्टफोलियो की तरह नहीं था उसमें डिजिटल बैकग्राउंड को यूज करके अपना पोर्टफोलियो बनाया तो मुझे याद है मैं उस आर्ट डायरेक्टर को देखने के लिए गया था और उसने मेरे पोर्टफोलियो देखकर बोला की आ, तेरा पोर्टफोलियो किसने बनाया मैंने बोला सर मैंने अपने बनाया है तो ना तो क्या बात कर रहा है तो बोला सर आप मैंने ही बनाया है फिर उसने बोला कि अच्छा तू मेरे लिए कुछ काम कर सकता है अगर तू ये ऐसे काम करता है मैंने बोला हाँ आप बताइए तो बोला मेरे पास एक छोटी सी फिल्म है बी के लिए क्या तू कर कर पाएगा मैंने बोला हाँ, मैं पाऊंगा तो उसके बाद उसने उस टाइम सिर्फ पांच हजार रुपए मिल लेते और इसके लिए 65, रुपीस। तो मैं सोचा यार मैं मॉर्निंग करूँ इसलिए मैं ऐसे डिजिटल काम करू बहुत खूब लेकिन वहां से जो पहला आपने का काम था जिसमें आपने उनका सहयोग किया जिसमें आपको मॉडलिंग में मिलते पांच हजार वहां मिले पैंसठ हजार या कुछ शाबाशी, कुछ। प्रशंसा आ, तीन साल पहले मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को फर्स्ट टाइम मिला था जो आ, उसकी भी काफी फनी स्टोरी थी क्योंकि वो सोचते थे कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ जब मैंने बोला कि मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपने उनको अपने घर ले गया था और उनको मैंने अपना काम दिखाया और समझाया कि ये पॉसिबिलिटीज है और ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट बिजनेस है जिसको बहुत अगर आप टाइम दोगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे लेवल में जा सकता है तो हमने शुरुआत करी उस उस टाइम हमारा पहला प्लान जो था वो था यूनिटेक यूनिटेक बिल्डर्स जो आप जानते हो मशहूर है उसमें हमने शुरुआत करी थी जिसमें हमने एक पिक्चर बनानी थी जो वहां पर था एक बोल जहाँ से एक मछली समुद्र में रही है अच्छा। और वो पूरी पिक्चर हमने डिजिटली बनाई थी और मुझे याद है क्योंकि हमने एक बॉट एक्सपेंसिव सिस्टम खरीदा था और हमने 1.4 लाख इसके उसके ऊपर खर्चा करा था और आ, उसी दिन मुझे एक आ, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे आर्ट डायरेक्टर से क्योंकि आ, उसमें आपने काम इतना बढ़िया किया कि वाह काम गया और वो बोल रहे थे कि मैं यूजली किसी को बोलते नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल खुश हो गया था और उसी रात हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया ओ माय गॉड और उसी में आपके सारे काम थे जिस पे सारे आपको काम थी। सारे और आ, उसके बाद मुझे पूरी रात काम करना पड़ा क्योंकि अगला दिन हमारा रिलीज था

करना है और देना है किसी भी हालत में क्योंकि सच बताओ ये इंडस्ट्री आप बिल्कुल अनफॉर्गिविंग है क्योंकि अगले सुबह फिर कैसे आप कर पाए आ, मैं पूरी रात उसमें काम करता रहा और किसी भी हालत में फिर मेरा पूरा काम हो गया और आ, मैंने दे दिया उसको सबमिशन समि, के लिए और काम हो गया बहुत और आ, उसके बाद आ, हमारे पास अगला जो क्लाइंट आया था वो था जनरल मोटर्स